नमस्कार, मैं अभी बैठा हूँ दशमत रावत जी के साथ और हाल ही में रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिलके आए हुए हैं, तो आपको उनसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, चाचा जी मिला, सब चीज़ का कोई व्यवस्था, पूरा व्यवस्था थी, घर में कोई नहीं की दिखनी थी, मिलके अच्छा लगा, गले लगाए, कहीं जो घटना घटी है तुम्हारे समझे उसको दंड दिन जाए जी। और इसके अलावा आपसे उन्होंने पूछा, इस घटना के बारे में पूछा? ये घटना उन्होंने पूछे, सब सर वीडियो देख। और आगे उन्होंने क्या कहा है आपके लिए, घर बनवाने के लिए और क्या क्या चीज़ें, घर बनवाने के अलावा और क्या क्या? बोले ये तो घर है, ये है, लेकिन हम अलग से आवास दिला रहे हैं और पैसा चेक और लेके आ रहे हैं। अच्छा, आज आ रहे हैं कलेक्टर आ रहे हैं। और इसके अलावा नौकरियां वगैरह देने की भी बात हुई है या फिर नौकरियां देने की भी बात की है? तो इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये घटना कितने साल पुरानी थी? ये सर करीब की दो, कम से कम 2022 मानो 22 कहा 2019 के लिए बात होगी। तो इस व्यक्ति को आप पहले से जानते थे या इसको आप कैसे जानते थे, ये प्रवेश शुक्ला नाम का? इसको तो हमारे गांव का पंडित है तो नहीं जानेगा, हम जो कि मार्केट में जाते थे ड्यूटी करने उसको आदमी सभी जान रहा कि इसका नाम प्रवेश है सर, उसका प्रवेश नाम हमारा दशमतरावत है, वो कुबेरी के हम करौंदी के हैं जी। तो मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे आप उनके घर पे काम करते थे या उनके साथ में काम करते थे? नहीं, 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 ऐसा नहीं था। नहीं, नहीं, नहीं। तो ये जिस दिन घटना हुई तो आप कहाँ जा रहे थे, वो कैसे आप मिले उससे? हम सर उधर से आ रहे थे, आराम से बैठ गए थे उसी के दीनदयाल की दुकान के सामने, राशि मिला के खा लेते हैं, राशि मिला के खाया, चुप्पे डाल दिया जेबा में, चलने की तैयारी थी, उन्होंने आया गेट बताया चुप्पे, बैठे से सीढ़िया के नीचे बैठ गए, वो आया चुप्पे सिगरेट पीते समय तो देखा कि नहीं देखा वो आदमी हमको, उसे दे चैन। आपकी उससे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी? नहीं थी। और वो ये मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी वो अल्कोहल पी रखा हुआ था उस टाइम पे वो व्यक्ति प्रवेश शुक्ला, आप हम नहीं जानते हैं सर, मगर हम उसको हम चेहरा भी नहीं देखे ना, कौन कर रहा है, हाँ ऊपर से नीचे तक उसको देखा नहीं। अच्छा, हमको कोई इस बीच में अभी बात भी नहीं बताए हैं, अभी नहीं वीडियो बनाया होगा तब ना सब पता चल रही है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, अगले दिन आपने ये घटना के बारे में किसी को बताया या? कुछ नहीं, आपने किसी को नहीं बताया, चुप्पे माहौल दबा तो दबा रहा है। आपने मतलब ये अपने घर वालों को, क्योंकि यहाँ पे मोहल्ले में भी आज पड़ोस में किसी को पता नहीं था, तो आपने क्यों नहीं बताया, मतलब क्या एक मतलब क्या ऐसा था एक मान जी मान सम्मान नहीं था, हमको भी नहीं सुधर थी लग रहे हैं कि क्या हुआ हमारे संगे, हम चुप्पे घर से चले आए जी। तो फिर बाद में तभी सब पूरा वीडियो बैनर होने लगा, सब कहने लगे कि कहीं यहाँ है जैसे यहाँ प्रवेश ठीक है, हम जो कहूँ नहीं मान ला कि हमारा वीडियो आ मिला है, हाँ कभी सब बयान दे लागे हैं थाना पर, तब जाकर हम पीछे कंट्रोल माने व्रत है जो कि कलेक्टर साहब सुनता वो कहना हमारा फोटो नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, उसके बाद 29 से 3 तारीख के बीच में एक एफिडेविट साइन कराया गया था और उसमें ये लिखा था कि वो ये लोग आप लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं प्रवेश शुक्ला को, और आपका दस्तखत भी कराया गया था, तो उसके बारे में बताइए किन लोगों ने दबाव दिया था आपको ये एफिडेविट साइन करने के लिए? कोई नहीं दे था, ले गए थे कलेक्टर साहब, ये कौन प्रवेश लेके गया था? नहीं नहीं, उसके चाचा ले गए थे, विद्या ले गए थे जी जी, बोले कहीं सीधी चले गए, उन्होंने कहीं ड्यूटी करा सीमेंट सरिया ला रहे हैं, तो आदर्श उनका नाम, उनके लड़के का नाम है कलेक्टर साहब, आदर्श नाम है, कहीं तू अपना आधार कार्ड ले आओ, कहें आधार कार्ड तो सोच ले नहीं आए, हमारा आधार कार्ड घरे है, कहीं आधार कार्ड मंगाओ तो काम है, तुम कहें बताइए ऐसा कौन काम है, कहीं नहीं होगा ज़रूरत है वही आधार कार्ड, कहीं मोटरसाइकिल भी है, मोटरसाइकिल से आए हमारे संगे से आए जिन अपने को है का झल्लू के लड़के हैं लेके आए बैठाई लगे डायरेक्ट माल लाते के बाद फिर कहीं जाइए, तब हम जाइए अब खाली करे सही पूजा तो हम माल लाते का खाली करें, कहीं कि तो आप खाली करें नहीं जाएगा लाइला पैसा तो आपका जाएगा, कलेक्टर दादा कहें सीधे चले,
तो कहने लगा चली जहाँ काम हम वही चल गए, कौन दिक्कत नहीं मानो कुछ और कुछ बोल नहीं रहता कैसे वह लोग जाए स्टाम्प वाम सब खरीद खरीद मिल पूरा सब वह लोग। अच्छा मतलब ये आप ये बता रहे हैं कि आपको बिना बताए धोखे मिले जाया गया और वहाँ पे आपसे अंगूठा या साइन करवा लिया गया, आपको बताया भी नहीं गया था किस चीज़ में ये करवाया जा रहा है। तो इसमें कौन से अधिकारी हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे और क्या पुलिस वाले भी वहाँ पे थे जो उनकी ये कृत्य में साथ दिया? नहीं नहीं पुलिस वाले नहीं, ये सिर्फ उसी प्रवेश के परिवार वाले थे। हाँ बस वो उनके चाचा से विद्या विद्या से और आपके कलेक्टर से बस ये दूरी आदमी। अच्छा विद्या मोटरसाइकिल से गए थे कलेक्टर से अपने बिलोर से। अच्छा अच्छा जी सीधे में दिनों दिन पर मिलान रहा कहते हैं यहाँ कागज चली जहाँ कहीं चल। अच्छा अच्छा इसके अलावा ये जो यहाँ के लोग हैं परिवेश या उसके परिवार या उसके दोस्तों के द्वारा कोई आपके परिवार या आपको धमकी दी गई? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं धमकी कोई नहीं दिया। अच्छा तो आगे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आगे भी कुछ ऐसा खौफ है कि ऐसा कुछ भी है कि आप आगे के बारे में क्या सोचते हैं? आगे के बारे में भी सोच रहे हैं क्या करेंगे हमको तो नहीं लगा, हम सोच रहे हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए बस। अच्छा आप सुरक्षा की पुलिस से मांग करते हैं? हाँ जी। और क्या शिवराज सिंह जी ने सुरक्षा आपको देने के लिए इस तरह की कोई बात की है? पर बोले कहीं ठीक है तब तुम चाहोगे तभी तुमको पूरा हो जाएगा। अच्छा सब तुम्हारे ऊपर है। अच्छा अच्छा कहीं जाओ किसी में कुछ तुम्हारी परेशानी नहीं होगी, फोन मोबाइल नंबर सब देंगे कहीं किसी में एक दिक्कत आएगी तुरंत मेरे पास फ़ोन करना चाहे 12 नहीं 2 बजे रात तुरंत फ़ोन करना मेरे पास। आगे के बारे में भी सोच रहे हैं क्या करेंगे हमको हमको तो नहीं लगा, हम सोच रहे हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए बस। अच्छा आप सुरक्षा की पुलिस से मांग करते हैं? हाँ जी। और क्या शिवराज सिंह जी ने सुरक्षा आपको देने के लिए इस तरह की कोई बात की है? पर बोले कहीं ठीक है ना तब तुम चाहोगे तभी तुमको पूरा हो जाएगा। अच्छा सब तुम्हारे ऊपर है। अच्छा अच्छा कहीं जाओ किसी में कुछ तुम्हारी परेशानी नहीं होगी, फोन मोबाइल नंबर सब देंगे कहीं किसी में एक दिक्कत आएगी तुरंत मेरे पास फ़ोन करना चाहे 12 नहीं 2 बजे रात तुरंत फ़ोन करना मेरे पास। अच्छा एक आखिरी प्रश्न है मेरा, जिस तरह आपको धोखे में रख के एफिडेविट साइन कराया गया तो जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये एक 420 का केस बनता है, फोर्जरी हुई है। अरे नहीं आप नहीं चाहते कोई कार्रवाई? नहीं और इस पे ये जो प्रवेश है इस पे क्या आप चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो कि नहीं, कितनी कार्रवाई हो? सर वो तो खुद पा रहा है, अब हम नहीं कहेंगे क्यों पाए, वो शुद्ध अपने आप पा रहा भोग रहा। अच्छा हाँ जी। और उसका घर भी तोड़ दिया गया है, उसके घर को भी एक तिहाई हिस्सा और बगल का तोड़ दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब हम क्या कहें सर, वो अपने हाथ से गलती कर रहा था, हम क्या कर सकते? जी जी जी। और जैसे कि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट के बाद भी जो घटना हुई थी उसके जो ये घटना हुआ था उसके बाद भी आप प्रवेश से कई बार मिले थे? हाँ जी मिले। आखिरी बार कब मिले थे? अगर वो गाँव में कुबरीन है सर तो डेली तो मिलना है, मिलना था। हाँ पहले कहीं कभी भी जाते थे? जाते थे पहले की उनकी होती थी मगर कुछ नहीं बोल रहा था। और ये जो वीडियो बनाया दीनदयाल साहू ने वीडियो हाँ, बनाया तो ये भी क्या उनके साथ इन्वॉल्व थे? क्या पता सर। अच्छा हम तो चुप्पे बता रहे थे, चुप्पे बैठे थे खाने थोड़ा लिया थे, चुप्पे बैठ गए थे, राशि खा के चलने की तैयारी थी हमारी, वो तो चुप्पे फोन के आ गए चुप्पे फोन। अच्छा बिना किसी प्रोवोकेशन के आपके ऊपर पेशाब किया? जी धन्यवाद। और मोजू स्टोरी के लिए अनिल कुमार तिवारी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.